हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में, जिसका पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन LTD है। सो गाइस, अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली और काफ़ी तगड़ा स्टॉक में मोमेंटम भी हमें देखने को मिला था, और यही स्टॉक में अगर ऐसी तेज़ी चलती रही तो स्टॉक आने वाले टाइम में जो इसके प्रीवियस हाईस थे, जो इसके पिछले हाई थे, वो भी ये अचीव कर लेगा। तो गाइस, IRCTC में काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, यहाँ पर हमने एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है, जहाँ पर हम कई सारे स्टॉक्स की न्यूज़ यहाँ पर देते हैं, और हम उस टेलीग्राम चैनल पे चार्ट्स भी प्रोवाइड कराता है इंट्राडे के लिए। तो गाइस, मैं लिंक टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, और आप वहाँ पर जाकर चैनल पर ज्वाइन हो जाना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर देखा जाए यहाँ पर IRCTC में कहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी, तो क्लोजिंग दी थी यहाँ पर 17.25 रुपये के प्राइस पर, और स्टॉक ने यहाँ पर अगर देखा जाए 2.05% के हिसाब से ये बढ़ा था। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। अब चलेंगे सीधा गाइस चार्ट पे। तो चार्ट को यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 आवर चार्ट फ्रेम पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, 2 आवर चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला था, फिर यहाँ पर आकर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर रिजेक्शन मिला, फिर सपोर्ट लिया, और फाइनली इसने इस लेवल पर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया था, मैंने तब भी बोला था बाय करने के लिए, और मैंने कई बार बोला था गाइस बाय करने के लिए, और जिन लोगों ने बाय किया होगा उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि स्टॉक अभी सीधा 928 रुपये तक तो जाएगा ही जाएगा। 928 का टारगेट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक नीचे आया था तो ये साइडवेज जाके उसी लेवल को टच करने की बिल्कुल कोशिश करेगा। और गाइस, अगर 928 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इससे भी बड़ा हमारे पास टारगेट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर हम आ गए हैं वन डे चार्ट फ्रेम पर। वन डे चार्ट फ्रेम पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1282 के आसपास जो इसका हाई है, वहाँ से स्टॉक नीचे आया था, नीचे आके इस लेवल पे सपोर्ट लिया। यहाँ पर गाइस, अगर ब्रेकआउट तो यहाँ पर हमें मिल ही गया है, ऑलरेडी ये रिटेस्ट भी कर चुका है। अगर हमें इस पर्टिकुलर लेवल पर भी ब्रेकआउट मिल जाता है तो 1282 का जो लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पर हमारा अचीव हो जाएगा, और स्टॉक में काफ़ी बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो गाइस, यहाँ पर बढ़ते हैं अब आगे। तो 5 दिन के टाइम फ्रेम पर IRCTC ने कितना रिटर्न दिया है, तो 26.40 रुपये तक IRCTC बढ़ गया है, 3.17% के साथ अच्छा मोमेंट है ऊपर की ओर। और 1 महीने के टाइम फ्रेम पर 2.55 रुपये तक स्टॉक बढ़ा है 0.30% के हिसाब से, और 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखें तो 407.92 रुपये तक स्टॉक अच्छा बढ़ा है अब 90.13% के हिसाब से। तो बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी तगड़े तरीके से स्टॉक ने मूवमेंट बताया गाइस, और 843.25 रुपये पर स्टॉक हुआ था ओपन, हाई लगाया था 888 रुपये का और लो लगाया था 842 रुपये का। ये गाइस मैं बता रहा हूँ फ्राइडे के दिन का बात। और मार्केट कैप की अगर बात कर ले तो 68.87 करोड़ का मार्केट कैप था, और गाइस ये मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का हो गया था, बट कुछ गलतियों के कारण ये फिर से डाउन आ गया। पी रेशियो 162.70 का है, डिविडेंड 0.12% का दिख जाएगा। वही गाइस, अगर बात करें 52 वीक्स के हाई और 52 वीक्स के लो की, 1279.26 रुपये का यहाँ पर हाई है और लो है 283.41 रुपये का। वही गाइस, अगर देखा जाए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स, तो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे 885.15 रुपये का है, सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल 909.35 रुपये का है, और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 930.70 रुपये का दिख जाएगा। और अगर बात करूँ मैं सपोर्ट लेवल्स की, तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल 839.60 रुपये का है, सेकेंड सपोर्ट लेवल 818.25 रुपये का, और थर्ड सपोर्ट लेवल 794.05 रुपये का दिख जाएगा। वही अगर बात करूँ मैं यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस की, तो प्राइस परफॉर्मेंस भी अच्छा बढ़ा है। यहाँ पर अगर देखा जाए सिर्फ 3 मंथ्स का जो है तभी ये माइनस में गया था, बाकी तो ये प्लस में ही आपको दिखेगा। भले ही आप ले लो 1 वीक का तो 3.51% ये प्लस में है, 1 मंथ का ले लो तो 4.60% प्लस में है, ईयर एंड हाफ का ले लो 3.51% प्लस में है, और देखा जाए तो 1 ईयर का भी 189.02% ये प्लस में दीजिएगा। सिर्फ अगर देखा जाए 3 मंथ्स का तो वही ये माइनस में है, -8.23%।
सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ ट्रेड वैल्यूज और कॉम्बिनेंट डिलीवरीज देखने को मिल रहा है। ट्रेड वैल्यू अगर देखा जाए तो फ्राइडे के दिन काफ़ी तगड़ा था, आप देख ही सकते हो 1 करोड़ के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है और काफ़ी बड़ी बात है, वॉल्यूम्स काफ़ी तगड़े हैं। और देखा जाए यहाँ पर क्या कॉम्बिनेंट डिलीवरी था, ट्रेड वैल्यू तो 1 करोड़ है और यहाँ पर कॉम्बिनेंट डिलीवरी फ्राइडे के दिन की तो भी 32 लाख के समथिंग की आपको दिखाई दे देगी गाइस। वही अगर बात करूँ एस्टरडे, तो एस्टरडे में क्या दिखने को हमें मिल रहा है, तो 35 लाख के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है और 13 लाख के समथिंग का कॉम्बिनेंट डिलीवरी है और 1 वीक के एवरेज में 54 लाख के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है और 17 लाख के समथिंग का कॉम्बिनेंट डिलीवरी भी देखने को मिल जाएगा। 1 मंथ के एवरेज में 46 लाख का ट्रेड वैल्यू और 14 लाख का कॉम्बिनेंट डिलीवरी देखने को मिल रहा है। सो ट्रेड वैल्यूज़ और कॉम्बिनेंट डिलीवरीज हमने दोनों ही चेक कर लिए हैं। अब बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के आंकड़े हैं। तो गाइस कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के जो आंकड़े यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि 88% जो लोग हैं वो बाय कॉल दे रहे हैं और 6% जो लोग हैं वो यहाँ पर सेल के लिए कह रहे हैं और जो 6% लोग हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं होल्ड के लिए। तो होल्ड के लिए भी कहा जा रहा है, सेल के लिए भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है बाय के लिए भी। डिपेंड करता है गाइस आपके ऊपर आपको क्या करना है। सो अब बात कर ले गाइस अगर रेवेन्यूज़ की, तो रेवेन्यूज़ भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 2017 का अगर रेवेन्यू देखें तो 1523 करोड़ का है और गाइस वही अगर देखा जाए 2018 का रेवेन्यू तो यहाँ पर 1466 करोड़ के आसपास का दिख जाएगा। और वही अगर देखें 2019 का रेवेन्यू और बढ़कर ये 1870 हो गया था, 1870 करोड़ हो गया था और 2020 में ये थोड़ा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ पर 2275 करोड़। सो गाइस यहाँ पर कोविड के कारण 2021 में काफ़ी डाउन है, लगभग 783 करोड़। सो अब बड़े आगे तो नेट प्रॉफिट भी हम देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2017 का है 214 करोड़, 2018 का है 219 करोड़ और 2019 का यहाँ पर दिख जाएगा 308 करोड़ और 2020 में तो काफ़ी बड़ा हाई है, लगभग 528 करोड़ का नेट प्रॉफिट गेन कर लिया था और 2021 की बात करूँ तो 190 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर देखें तो वो भी पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम बात करेंगे प्रमोटर्स, DFIs, DIs और पब्लिक की। तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 67.4% की है और बात करूँ अगर पब्लिक होल्डिंग की तो वो भी 16.32% की दिख जाएंगी। और बात करें अगर DIs की होल्डिंग 8.48% है और FIs की होल्डिंग 7.81% है। सो गाइस IRCTC में बिल्कुल यहाँ पर धमाका हो सकता है, बिल्कुल ये स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है और यहाँ पर कल आपको बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल आग लगाने वाला है गाइस कल। और बड़ा टारगेट जो था हमने आपको बता दिया है। सो वीडियो पसंद आया हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाना। सो थैंक यू।